भारतीय संस्कृति में किसी भी पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, परंतु आप ये जो फूल देख रहे हैं, मोगरे की सफेद कलियां, यह आज पूजा के लिए न होकर नैवेद्य के लिए बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज किचन। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंगाली स्वीट सौंदेश की रेसिपी। यह सौंदेश छेने से बनता है, जिसे मैंने यहाँ मोगरे की कलियों का आकार दिया है। ऐसे ही मैंने मधुमालती के फूल भी बनाए थे। आप चाहें तो इसे किसी फूलों का आकार दे सकते हैं, या फिर सिंपल पेढ़े के रूप में भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसकी मुझे बहुत कम क्वांटिटी की आवश्यकता थी, इसलिए सिर्फ 250 मिलीलीटर दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा। दूध में उबाल आते ही उसमें एक बड़ा चम्मच सिरका यानी विनेगर डालें और लगातार चलाते रहें। कुछ ही सेकंड्स में दूध इस तरह से फट जाएगा और उसका पानी अलग नज़र आने लगेगा। इस स्थिति में इसे छान लें। छानने के बाद तुरंत ही ऊपर से ठंडा पानी डालें ताकि छेना हार्ड ना हो। और हमने जो सिरका इस पर डाला था उसका खट्टापन भी अच्छे से निकल जाए। इसके पश्चात इसे इसी तरह से करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट में सारा पानी निकल जाएगा। उसके पश्चात अब हमें इसे ग्राइंडर में एक बार घुमाना है। साथ में डालें 3 चम्मच बारीक पीसी हुई शक्कर। इसे 2 या 3 बार पल्स पर चलाएं तो आपको इस तरह से पेस्ट मिलेगी। अब एक पैन में 1 चम्मच घी गर्म करें और हमने तैयार की हुई पेस्ट इस पर डाल दें। यदि आपने फुल फैट मिल्क यूज़ किया है तो यहाँ पर घी डालने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब इसे धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं। इसमें शक्कर डली होने के कारण पहले यह थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, शक्कर पानी छोड़ेगी। तब इसमें डालें 1 चम्मच मिल्क पाउडर और इसे पुनः लगातार चलाते हुए धीमी आँच पर ही 2-3 मिनट तक और भूनें। आप देखेंगे मिश्रण काफ़ी कुछ ड्राई हो चुका है। इस स्थिति में गैस बंद कर दीजिए, परंतु मिश्रण को लगातार चलाते रहिए, अन्यथा पैन गर्म होने के कारण मिश्रण का रंग बदल जाएगा। हम सफ़ेद मिश्रण ही चाहते हैं। उसके पश्चात इसे थोड़ा ठंडा होने दें। आप देखेंगे मिश्रण अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, परंतु यह अभी काफ़ी दानेदार है। इसे पुनः एक बार ग्राइंडर से घुमा लें। यह मिश्रण तैयार है सौंदेश बनाने के लिए। इस मिश्रण का एक छोटा सा पोर्शन लेकर इस तरह से गोला बनाइए और दिखाए अनुसार उसे बड़ का आकार दीजिए। नीचे से लगाने के लिए यह धनिए की डंडी का यूज़ किया है। यह तैयार है मोगरे की कली, परंतु मैंने यहाँ पर इसी मिश्रण से उसकी डंडी भी बनाई है। आप देख सकते हैं, एक पोर्शन को थोड़ा सा लंबा कीजिए ताकि वह डंडी का आकार ले ले और ऊपरी पोर्शन को कली का आकार। इसी तरह आप आपकी पसंद के दूसरे फूल भी बना सकते हैं। अब बारी है इन डंडियों को हरा रंग करने की। इसके लिए खाने का हरा रंग लिया है, उसे ब्रश की सहायता से डंडियों पर हल्के हल्के हाथों से इसे लगा दिया है। यह तैयार हमारी मोगरे की कली। इसी तरह सारी कलियां बनाकर तैयार कर लीजिए। इन्हें थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए। उसके पश्चात इस तरह से अरेंज करें कि यह एक गजरे के रूप में नज़र आए। यह सारी प्रोसेस बहुत ही पेशेंस का काम है, परंतु जहाँ पैशन होता है वहाँ सब कुछ चलता है। आपको यदि यह पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।